नहीं, लोग तो कहाँ आ रहे हैं, पहले वाला बात तो ये रह गया। पहले तो अच्छा सेल था मिला जुला के, ऐसा बात नहीं है। इन साल बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हाँ, वह हल्का फुल्का एक दुख आते हैं, जैसे ये लोग आए वो लोग आए, हल्का दुखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शिवम कुमार। कल पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और आपको बता दें कि कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में फागू चौहान जो कि गवर्नर हैं उनके द्वारा झंडा तोलन भी किया जाएगा और तमाम कोरोना के जो गाइडलाइन है उनको लेकर फॉलो भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि पटना हाई कोर्ट के पास की ये तस्वीर है, जहां पे तिरंगा झंडा जो है उसका जो मार्केट है वो सज चुका है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तमाम हर प्रकार के जो झंडे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे से ले कर बड़े तक हर साइज़ के झंडे हैं। और ये हर साल जो है इसी जगह पर जो मार्केट है वो लगाया जाता है। हमारे साथ जो कुछ लोग भी हैं हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि हालांकि कोविड-19 जो है वो भी चल रहा है, तो ऐसे में जो लोग हैं जो पहले जिस तरह से आते थे वो लोग पहले के मुताबिक आ रहे हैं या फिर नहीं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद जावेद नाम हुआ। कब से आप ये हम तो 20 साल से बेच रहे हैं। तो साल में दो दफ़ा लगाते हैं? हाँ, साल में दो दफ़ा लोग लगाते आ रहे हैं। नहीं, लोग तो कहाँ आ रहे हैं, पहले वाला बात नहीं रह गया। पहले वाला बात नहीं रहा, बहुत कोरोना के कारण लोग घबराए हुए हैं। तो पहले आपका कितना सेल हो पाता था? पहले तो अच्छा सेल था मिला जुला के, ऐसा बात नहीं है। इन साल बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और 15 अगस्त में भी बहुत प्रभाव पड़ा था। 15 अगस्त में भी बहुत प्रभाव पड़ा। अभी तक कितना सेल हो चुका है? अभी तो थोड़ा देर पहले खोला है, अभी 100-200 भी नहीं बिका। अभी 100-200 भी नहीं बिका है। तो कोरोना का जो मार है वो कहीं ना कहीं इन दुकानदारों पे भी सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। हालांकि लंबी लाइन जहां तक आपको दिखाई दे रही होगी वहां तक जो झंडे का जो दुकान है वो खुला हुआ है और हर प्रकार के जो झंडे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, खरीदार जो हैं वो भी कुछ कुछ एक एक करके इक्का दुक्का जो हैं वो पहुँच रहे हैं और जो झंडा है वो खरीदते नज़र आ रहे हैं। हालांकि दुकानदार भी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि पहले के मुताबिक जो है उनका सेल नहीं हो पा रहा है। कोरोना का जो कारण है वो भी एक वजह है कि कोरोना में जो लोग हैं वो हालांकि अपने घर से पहले के मुताबिक जिस तरह से लोग निकलते थे उस तरह नहीं निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ? आलम। कब से बेच रहे हैं आप? अभी तो बिस्मिल्लाह, आज ही सुबह आज भी बजा बजा। 15 अगस्त को भी बेचा था? नहीं, हमने बेचा नहीं। बेचा नहीं। क्यों? लग रहा था कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसी कारण से नहीं बेचा? नहीं, हम तो पहली बार आदमी ने हमको बोला कि साथ में चलो। अच्छा, हाँ, बस इतने। तो क्या लग रहा है, क्योंकि बिक रहा है, लोग आ रहे हैं खरीद? हल्का फुल्का यानी लोग घबराए हुए, डरे हुए? हाँ, वह हल्का फुल्का एक दुखा आते हैं, जैसे ये लोग आए वो लोग आए, हल्का दुखा मतलब। चलिए, तो इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आ रहे हैं और उस तरह का जो मार्केट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि 26 जनवरी जो है वो कोरोना के कारण कहीं ना कहीं जो है वो फीका होता दिखाई दे रहा है। राजधानी पटना के जो लोग हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सीधे तौर पे इसका जो असर है वो दुकानदारों पर भी देखने को मिल रहा है। इनकी जो सामानें जो हैं वो भी नहीं बिक पा रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कल जो है गणतंत्र दिवस जो 72वां मनाया जा रहा है तो क्या कुछ जो है अपडेट वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहें। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।